नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। गोवा में विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस के जिन 5 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, वे सोमवार को मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हुए और कहा कि विपक्षी दल में कोई समस्या नहीं है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के एक शीर्ष नेता ने कहा था कि राज्य में कांग्रेस के 11 विधायकों में से 5 से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके बाद कांग्रेस ने आज गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर के समक्ष याचिकाएं दायर कर अपने विधायकों माइकल लोबो और दिगंबर कामत को अयोग्य ठहराने की मांग की। कांग्रेस ने दोनों विधायकों पर पार्टी में फूट के लिए सत्तारूढ़ दल बीजेपी के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाया है। वहीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताते हुए बीजेपी पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय क्षेत्र में बढ़ती चीनी घुसपैठ और उस संबंध में प्रधानमंत्री की चुप्पी देश के लिए बहुत हानिकारक है। राहुल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री के 5 सच को साझा किया और आरोप लगाया कि वह चीन से डरते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के कुछ सच, पहला चीन से डरते हैं, दूसरा जनता से सच छिपाते हैं, तीसरा सिर्फ अपनी छवि बचाते हैं, चौथा सेना का मनोबल गिराते हैं, पांचवा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि केंद्र पुर्तगाल के समक्ष जताई गई अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने और 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में गैंगस्टर अबू सलेम की 25 साल की सजा पूरी होने पर उसे रिहा करने के लिए बाध्य है। सलेम ने कहा था कि 2002 में उसके प्रत्यर्पण के लिए भारत द्वारा पुर्तगाल को दिए गए एक आश्वासन के अनुसार उसकी सजा 25 साल से अधिक नहीं हो सकती है। उसने कहा था कि यह आश्वासन पुर्तगाल को तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा दिया गया था। न्यायमूर्ति एसके कॉल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत शक्ति के प्रयोग और सजा पूरी होने को लेकर राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के तहत भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें 14 उम्मीदवारों ने 100 परसेंटाइल अंक हासिल किए हैं। एनटीए के अनुसार जेईई मेन 2022 के प्रथम संस्करण में सबसे अधिक शीर्ष स्कोर प्राप्त करने वाले छात्रों में तेलंगाना से 4 और आंध्र प्रदेश के 3 छात्र शामिल हैं। तेलंगाना से शीर्ष स्कोर हासिल करने वाले छात्रों में जस्ती यशोनाथ, वीवीएस रूपेश बियानी, अनिकेत चट्टोपाध्याय और धीरज कुरूर कुंदा हैं। वहीं आंध्र प्रदेश से शीर्ष स्कोर हासिल करने वालों में कोयायना सुहास, पी रवि किशोर और पोलीशेट्टी कार्तिकेय हैं। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 2 विरोधी नेताओं इडापड्डी के पलानीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम के समर्थकों द्वारा पार्टी के कार्यालय के अंदर और बाहर हिंसा तथा तोड़फोड़ किए जाने के बाद अधिकारियों ने सोमवार को पार्टी के मुख्यालय को सील कर दिया। हम आपको बता दें कि पनीरसेल्वम को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे और कार्यकर्ताओं के बीच न्याय मांगने जाएंगे। इसके साथ ही वह पार्टी कार्यालय से निकल गए। राजस्व अधिकारियों ने अन्नाद्रमुक मुख्यालय MGR मालीगई को सील कर दिया है। उधर पलानीस्वामी ने पनीरसेल्वम को सत्तारूढ़ दल DMK की कठपुतली बताया और उन्हें हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। उच्चतम न्यायालय ने 9000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले के आरोपी और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को अदालत की अवमानना के मामले में सोमवार को 4 महीने की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति UU ललित की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने मामले में माल्या पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने इस मामले में सजा की अवधि तय करने संबंधी अपना फैसला 10 मार्च को सुरक्षित रख लिया था और टिप्पणी की थी कि माल्या के खिलाफ सुनवाई में अब कोई प्रगति नहीं हो सकती। बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली शीर्ष संस्था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आरे वन बचाओ अभियान में कथित तौर पर बच्चों का इस्तेमाल करने के लिए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मुंबई पुलिस को एक नोटिस भेजा है। नोटिस के अनुसार उसे एक शिकायत मिली है, जिसमें कहा गया है कि मुंबई जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने शिवसेना के युवा प्रकोष्ठ युवा सेना में आरे बचाओ प्रदर्शनी में और राजनीतिक अभियानों में नाबालिगों का इस्तेमाल किया है। उसने ट्विटर का एक लिंक भी साझा किया, जिसमें प्रदर्शन के दौरान बच्चे हाथ में तख्तियां लिए खड़े हैं। सप्ताहांत के दौरान हुए चुनाव में मिले नए जनादेश से उत्साहित जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने सोमवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की, जिन्होंने प्रभावशाली दिवंगत नेता शिंजो आबे की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और एक मजबूत द्विपक्षीय गठबंधन का आश्वासन दिया। किशिदा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसकी सहयोगी कोमेतो को 248 सदस्यीय सदन में 140 सीटों पर जीत हासिल हुई, जो बहुमत के आंकड़े से काफी अधिक है। इस जीत से स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा वर्ष 2025 तक पद पर बने रहेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा दीर्घकालिक नीतियों पर काम जारी रखेंगे। युवा भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता ने सोमवार को टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता लुकास कोजेंस्की को पछाड़कर पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता और ISSF निशानेबाजी विश्व कप में देश के पदक का खाता खोला। स्वर्ण पदक के मुकाबले में अर्जुन ने अमेरिका के कोजेंस्की को आसानी से 17-9 से हराया। यह अर्जुन का सीनियर टीम के साथ पहला स्वर्ण पदक है। उन्होंने अजरबैजान के गबाला में 2016 जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। शेयर बाजारों में पिछले 3 कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर सोमवार को विराम लग गया और BSE सेंसेक्स 86.61 अंक यानी 0.16% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में भारी बिकवाली के बीच बाजार नीचे आया।
30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 86.61 अंक यानी 0.16% की गिरावट के साथ 54,395.23 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 4.60 अंक यानी 0.03% की मामूली गिरावट के साथ 16,216 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।